दोस्तों, मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से डरना और उनसे डरकर भागना ये बिल्कुल सही नहीं, बल्कि उस परेशानी के सामने पहाड़ जैसी ताकत के साथ खड़े रहना और उसका डटकर सामना करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज की इस कहानी से हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं, लेकिन ये कहानी समझने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक बने रहना होगा। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत पहले की बात है, महात्मा बुद्ध एक बार एक नगर से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो अपने घर के आंगन में बैठकर खेल रहा था, और उस बच्चे की माँ घर में कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने महात्मा बुद्ध को देखा और महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगी, हे बुद्ध, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरा जो पात्र है ये तो भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज तो मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, लेकिन मैं कल फिर आऊँगा, आप मुझे कल दे देना जो भी आप देना चाहती हैं। महात्मा बुद्ध ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। अगले दिन महात्मा बुद्ध फिर से उस स्त्री के पास आए। वह स्त्री महात्मा बुद्ध को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें एक पात्र में चावल भर कर देती है। महात्मा बुद्ध बड़े ही दयालु थे, वे उस स्त्री के द्वारा दिया गया भोजन स्वीकार कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटियां दी और उस स्त्री से कहा कि इसे चावल के बीचों बीच दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस पिलाना, इससे आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। उस स्त्री ने महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जड़ी बूटियों को रख लिया और महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। उसके बाद महात्मा बुद्ध वहां से चले गए। लगभग एक महीने बीत चुके थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगर में संसार में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे कि तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर गले से लगाए बुद्ध के पास दौड़ी चली आती है और उस बच्चे को महात्मा बुद्ध के चरणों में रख देती है और कहती है कि हे महात्मा बुद्ध, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, इसका दुख क्या होता है, ये आप मुझसे पूछिए, मैं एक विधवा हूं, मेरा पुत्र भी अब मुझे छोड़कर चला गया है, वह न अब रो रहा है और ना ही हंस रहा है, हे बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही स्त्री हूं जिसे आपने कुछ जड़ी बूटियां दी थी जिसे मैं अपने बेटे को पिला सकूं। तथागत बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, आपका बेटा बहुत ही सुंदर है, मैंने आपको कुछ जड़ी बूटियां दी थी, क्या आपने उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं किया। वह स्त्री महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गई और रोते रोते हुए बोली कि हे बुद्ध, मुझे माफ कर दीजिए, वो जड़ी बूटियां जो आपने दी थी वो मैंने फेंक दी थी, मुझे आप पर पूरा विश्वास नहीं था, मुझे लगा कि वो जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि पहुंचा सकती हैं। गांव के कुछ लोग आपको झूठा, पाखंडी और ढोंगी बताते हैं, जिस वजह से मेरा भी आप पर पूरा विश्वास नहीं हो सका। महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री की बातें सुनी और फिर जवाब दिया, कहा कि क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है,
वह स्त्री कहने लगी, हाँ बुद्ध, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं अपने बेटे को फिर से ठीक करने के लिए हर जगह गई, हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी मदद नहीं मिली। तब किसी ने ये कहा कि आप महात्मा बुद्ध के पास जाइए, वही आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। हे बुद्ध, क्या आप मेरे बेटे को कृपया करके फिर से जीवित कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, जैसे जीवन एक सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी एक सत्य है, और इस सत्य को आपको स्वीकार करना ही होगा। वह स्त्री कहती है कि हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ पा रहे हैं। मैं एक विधवा हूं, मेरे जीने का सिर्फ एक ही सहारा था और वो मेरा पुत्र था। अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुका है, अब मैं भला किसके सहारे जीऊंगी? मैं अपने इस पूरे जीवन का क्या करूंगी? मुझे ज्ञान के बड़े बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा यह पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर दया नहीं करेंगे? तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर सकता हूं, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक कहा मानना होगा। क्या तुम मेरा ये कहा मानोगी? उस स्त्री ने झट से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम अभी गांव वापस जाओ और जाकर किसी भी एक घर से एक मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लेकर आओ। वह स्त्री यह सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि ठीक है बुद्ध, मैं अभी जाकर लेकर आती हूं। तभी बुद्ध ने फिर कहा कि रुको, तुम्हें ये सरसों के दाने किसी ऐसे घर से नहीं लाने हैं जहां किसी की मृत्यु हुई हो। तुम्हें ये दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री खुशी खुशी अपने आंसुओं को पोंछती है और महात्मा बुद्ध से कहती है कि ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूं। वह अपने बेटे को गोद में उठाए, वापस गांव की तरफ दौड़ने लगती है। गांव में पहुंचने के बाद उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद उस घर का स्वामी बाहर आया। उस स्त्री ने उस घर के स्वामी से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उस घर के मालिक ने उस स्त्री को एक मुट्ठी सरसों के पीले दाने दे दिए। वह स्त्री खुशी खुशी वह दाने लेकर के वापस लौट रही थी कि तभी उसे महात्मा बुद्ध की वो बात याद आ गई कि तुम्हें दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री वापस लौटी और उस घर के मालिक से कहा कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? घर के मालिक ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। उस स्त्री ने उन सरसों के दानों को वापस उस घर के मालिक को लौटा दिया। वह दूसरे घर की ओर चल पड़ी। वहां जाकर उसने एक आदमी से सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या आपके घर में किसी की भी मृत्यु हुई है? आदमी ने कहा, हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया था और उस बाढ़ से केवल मैं ही बच पाया, और अब मैं अकेला अपनी जिंदगी का ये बोझ ढो रहा हूं। वह स्त्री वहां से आगे बढ़ती है और दूसरे घर की ओर चल पड़ती है। वहां का दरवाजा खटखटाने के बाद उसमें से एक विधवा स्त्री निकलकर बाहर आती है। उस स्त्री की आंखें उसे देखकर भर आती है। उस स्त्री को अभी यकीन होने लगा था कि उसका बेटा अब उसे वापस नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी उस स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कोशिश जारी रखी। वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से लोगों के घरों पर जाती और उनसे पीले सरसों के दाने मांगती और उनके घर पर किसी की मृत्यु हुई है या नहीं
ये पूछती, लेकिन कोई भी ऐसा घर उसे नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री बहुत रोने लगती है। रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर वह महात्मा बुद्ध की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक शमशान घाट दिखाई दिया। वह स्त्री अपने बेटे को लेकर उस शमशान घाट में चली जाती है और उसके लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। वह गड्ढा जितना खोदती जाती उतनी ही तेज रोती जाती। उसके बाद उसने काफी देर तक अपने बेटे को निहारा और माथा चूमकर रोने लगी। वो बेहद रो रही थी। उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दबा दिया और वह स्त्री अपने आंसू पोंछते हुए तथागत महात्मा बुद्ध के पास वापस आई। महात्मा बुद्ध और सभी गांव वाले उस स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वह स्त्री महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरी और रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बस रोती ही जा रही थी और वह कुछ भी नहीं बोल पाई। महात्मा बुद्ध समझ चुके थे कि अब उस स्त्री को यह ज्ञान मिल चुका है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य ही आएगी, वो चाहे कोई राजा हो या फिर कोई रंग, या बहुत बड़ा ज्ञानी हो या फिर कोई युवा या फिर कोई वृद्ध हो, मृत्यु सभी को आनी है। वह स्त्री महात्मा बुद्ध से कहती है कि हे बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मैंने ही देखा है, सिर्फ मैं ही इससे गुजर चुकी हूं, लेकिन मैंने देखा कि मुझसे भी ज्यादा और भी कई सारे लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वह तुम्हारे आसपास ही है, उसे महसूस करो और तुम उसे अपने आसपास ही पाओगी। ये परम सत्य है, जब तक सृष्टि रहेगी मनुष्य के साथ दुख भी रहेगा और उसका कारण खुद मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य जब किसी चीज से अपने आप को बांध लेता है तो उसके दूर जाने पर मनुष्य को दुख भी होता है। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह हमसे दूर हो जाती है तो हमें उसके ना होने का एहसास होने लगता है। हमें बहुत दुख होता है, हम गहरी पीड़ा में चले जाते हैं, हम जीवन को जागरूक होकर नहीं जीते, इसलिए मृत्यु के होने पर हमें अफसोस होता है, हम रोते हैं, छटपटाने लगते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वह स्त्री तथागत बुद्ध से कहती है कि हे भगवान बुद्ध, इससे मुक्ति कैसे पाएं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मुक्ति के लिए भी विवेक जागना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जग सकता। जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम्हारा विवेक भी जाग जाएगा। जैसे कि तुम्हें लग रहा था कि मृत्यु का दुख सिर्फ तुम्ही ने देखा है, लेकिन जब तुमने इस गांव का भ्रमण किया तब तुम्हें एहसास हुआ कि मुझसे भी और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दुख को झेला है, और तब तुमने ये जाना कि मृत्यु भी एक परम सत्य है। जो भी आए, चाहे दुख की परछाई हो या फिर सुख का आनंद, दोनों के बीच खुद को स्थिर बनाए रखो, और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख के बंधन टूट जाएंगे और परम सत्य की प्राप्ति होगी। जब तुम्हारा विवेक जाग जाएगा तब तुम्हें एहसास हो जाएगा और तुम समझ पाओगी कि जन्म और मृत्यु, मिलन और वियोग, ये दो नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। इस पर वह स्त्री कहती है
कि हे तथागत बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मैं अपने जीवन का मोल समझ गई हूँ। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं उसी पर चलूंगी। दोस्तों, परेशानी चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, उससे निकलने का रास्ता एकमात्र यही है। अगर आपने इसे अपने जीवन में अपना लिया, तो आप कभी भी किसी भी परेशानी से डरकर भागेंगे नहीं, बल्कि उस परेशानी से लड़कर आप उससे जीत जाएंगे। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।